अभी 8:35 हो गए हैं और 6 बजे से 8:35 तक हम लोगों ने पूरी मेहनत की। खाली बैठने से क्या मिलेगा, और जब बदनाम तो बदनामी सही। भैया सब रिश्तेदार हमारे कहे ना कि उनका लड़की वीडियो बनावे ली, का करे ली, उनका लड़की वीडियो बनावे ली। तो भैया जब सब रिश्तेदारी में प्रचार हो ही गई तो बना वीडियो, का ले जाए खा वीडियो ही बनावा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल वीडियो नहीं डाली थी बिकॉज़ कि कल बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था और कल की वीडियो ही आज मैंने अपलोड करी है, तो आप लोग ज़रूर देखो वीडियो को लास्ट तक देखना। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया था, मैं फटाफट से खाना बना रही थी क्योंकि आज बहुत सारा काम था। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मम्मी छठ पूजा मामा वहाँ कर रही हैं, तो पापा को जाना था मामा वहाँ। तो सुबह मैं ना आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही थी मैं, तो पहले गोभी फ्राई करके रख ली थी, देन उसके बाद से मसाले भून लिए आलू के साथ और सब्ज़ी ऐड कर दी। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे सब्ज़ी बना के फटाफट से खाना लगा लिया था, और जिस दिन काम का प्रेशर रहता है ना यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम के काम का प्रेशर रहता है, उस दिन मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ ताकि मैं थोड़े से खुद को रिलैक्स कर पाऊँ, थोड़ा आराम कर पाऊँ, देन इसके बाद से मैं अपना काम कर पाऊँ। क्योंकि ना फ्री माइंड जब आदमी रहता है, काम का प्रेशर नहीं रहता, तब ज़्यादा काम कर पाता है अच्छे मन से, तो मेरे समझ से। तो ये फटाफट से सुबह मैं खाना बना लिया था, खाना बनाने के बाद तब मैं लग गई थी अपने काम में। और यहाँ ना जो मैंने बनाया था बहुत ही टेस्टी हुआ था, तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फैमिली, गुड इवनिंग। सुबह मैं कुछ नहीं करी, सुबह में जस्ट नहाने के बाद से मैंने खाना बनाया, खाना खा के आराम करी, और बगल में एक भाभी थी उनको मेहंदी लगाना था तो वहाँ चली गई, 1.5 घंटे वहाँ बीत गए। फिर आई घर पे, काम वाम करके फिनिश हो गई अभी, मतलब सारा काम फिनिश हो गया, मैं फिनिश नहीं हुई, सारा काम फिनिश हो गया। और बज रहा है अभी 5, राइट 5 हो रहा है। अभी मैं बर्तन धुली हूँ तो हेयर वॉश कर ली हूँ, और क्यों कर रही हूँ बता देती हूँ आपको रीजन। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि मम्मी मामा वहाँ से नहीं आ रही हैं, तो मम्मी नहीं आ रही हैं मामा वहाँ से। बाकी पता नहीं क्यों कैमरा ही नहीं सही से सेट हो पाता है मेरा, तो मम्मी नहीं आ रही है, मम्मी वहीं करेंगी छठ व्रत। तो अभी हम लोग खाली थे क्योंकि हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, मतलब मम्मी व्रत रहती है तभी मम्मी के साथ हम लोग घाट पे जाते हैं, वरना नहीं जाते हैं। तो मम्मी नहीं है तो बस हम हैं, भाई बहन हैं, पापा हैं, तो हम लोग सोचे कि क्या करें क्या करें क्या करें, तो क्या करें। तो अभी मैं करूँगी छठ के लिए रील सूट, तो जिसके लिए मेरा हेयर ना बहुत ही ऑयली लग रहा था, तो मैंने अभी वॉश किया है और फेस वॉश करके आ गई हूँ मैं। तो अभी बाल सुखाएंगे, बाल सुखाने के बाद से तब जाके सिस्टर बना रही है पास्ता, मैक्रूनी बना रही है एक्चुअली, तो मैक्रूनी अभी बाद में खाएंगे। तो इसके पहले मैं वेयर करूँगी साड़ी, तो मेरे पास एक येलो और ब्लू कलर की साड़ी है, बहुत पहले मैंने आपको दिखाया हुआ था, तो मैं पहनूँगी और उस पर रील्स बनाऊँगी छठ माता का, जिसमें मैं लगाऊँगी सिंदूर फर्स्ट टाइम, जो कि मांग तक नहीं लगाऊँगी, मतलब टीका लगाऊँगी बट यहाँ तक का सिंदूर लगाऊँगी। जैसे छठ में हम लोग के पास जो छठ व्रत करती हैं लेडीज़ें उनको तिवई बोलते हैं, तो जो लोग तिवई लगाती हैं व्रत, मतलब औरतें, अम्मा दादी बुआ दीदी जो लोग लगाती हैं सिंदूर, ऐसा सिंदूर लगाऊंगी मैं। उसके बाद से रील शूट करूंगी, तो रील भी मैं डाल दूंगी, आई थिंक कि रील आप लोग देख चुके होंगे, तो रील डाल दूंगी। और इंस्टाग्राम पे अगर आपको बहुत सारे रील छठ वीडियो के देखने हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना होगा। तो उसके पहले मैं सोच रही हूँ ना कुछ कुछ कर लूँ, मतलब कुछ कुछ का मतलब कि नेल पेंट लगा लूँ अभी मैं, तो नेल पेंट लगाऊंगी क्योंकि मम्मी है नहीं तो काम इतना कुछ है नहीं, बस खाना बनाना खिलाना है, और हम ठहरे क्रिएटर, तो भैया हम क्रिएटर हैं तो कुछ क्रिएटिविटी दिखाते हैं, खाली बैठने से क्या मिलता है। तो इसके लिए सोचे चलो छठ वाला कुछ रील शूट करते हैं छठ वाले लुक में, मम्मी जैसे जो लोग लुक करती हैं मम्मी। तो इसके लिए मैं रेडी होंगी, पहनूंगी मैं साड़ी, तो पहले नेल पेंट लगा लेते हैं। अभी 5 बज रहा है ना, मैं 6 बजे से रेडी होंगी, अभी साड़ी पहनूंगी फिर तैयार होंगी, रात में ही वीडियो शूट करूंगी रिंग लाइट के थ्रू, क्योंकि दिन में ना प्रॉपर कलर नहीं मिलता है वीडियोस को, या फिर लाइट का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और रिंग लाइट से एक लाइट और लगवाऊंगी, अभी भाई गया सब्जी लाने तो आएगा, तो उसके पहले मैं अभी ये लगा लेती हूँ, जब तक नेल पेंट सूखेगा तब तक बाल भी मैं अच्छे से सुखा लूँगी।
फिर बगल में जिन भाभी को मेहंदी लगाया ना उन्हीं को मैंने बोल रखा है कि मुझे साड़ी पहना देना, तो अभी उनके पास जाऊंगी साड़ी पहन के आऊंगी। तो अभी फिलहाल हम और सिस्टर ही हैं घर पे, पापा भी अभी नहीं हैं और भाई गया सब्जी लेने। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खाली बैठने से क्या मिलेगा। और जब बदनाम तो बदनाम ही सही, भैया सब रिश्तेदार हमारे कहे ना कि उनका लड़की वीडियो बनावेली, का करेली उनका लड़की वीडियो बनावेली। तो भैया जब सब रिश्तेदारी में प्रचार हो ही गई तब बना वीडियो का ले जाए, खा वीडियो ही बनावा, जब वही में हमारा मन लगता है तो भाई हम वह करब। तो मेन होता है ना अपना मन, बहुत लोग ना कोई कहता है रिलेटिव तो बहुत लोग शर्मा जाते हैं, अपना मन मार लेते हैं कि भैया दुनिया क्या कहेगा, पर हमको ना इतना सा फर्क नहीं पड़ता है किसी मेरे रिलेटिव कोई भी मुझे कहता है कुछ भी। मुझे पता है मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, पापा तो खैर नहीं, पापा को मैं अपने टीम में इन्वॉल्व नहीं करूँगी, पापा का 80% ही मन होता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, बट मम्मी पूरा सपोर्ट करती है, मम्मी का पूरा मन होता है। मम्मी का तो मैं नहीं बनाती हूँ तभी भी, और फर्स्ट ऑफ ऑल जब शुरू कर दी हूँ तो अमित जी का ज़्यादा रहता है, जब एक दिन वीडियो ना डालू ना तो बोल दूँ उनको कि आज वीडियो नहीं डालना है, तो कहते हैं हाँ तुम तो चैनल बना ही लियो, अब तुमको तो मन ही नहीं कर रहा वीडियो डालने का, तुम अब छोड़ना चाहती हो यूट्यूब, अब तुम काम नहीं करने में मन लगा रही हो, तो फिर कौन वो इतना सारा ताना सुनने जाएगा, उससे अच्छा है वीडियो बनाओ। जब सब रिश्तेदारी अपने ससुराल मायका नात रिश्तेदार फूआ सबसे मतलब सुन ही लिए कि वीडियो ही बनाते हैं और कोई काम नहीं है, वीडियो बनाती है ऐसा वैसा, मतलब गवुआ के सोच पते बा, तो उससे अच्छा है कि वीडियो बना, तो वही सोचे कुछ तो करे, क्योंकि अभी कोई काम था ही नहीं। इंस्टाग्राम पे टिक टिक करने से अच्छा है कि कुछ चलो जो आया है उसको एंजॉय करें, मम्मी नहीं है तो हम लोग छठ अपने रील्स बना के एंजॉय करें। तो इसके लिए कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप कि अच्छा हो, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए साड़ी पहन के जब आती हूँ ना तो ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ, 5 मिनट तो मैं आपका दिमाग ऐसी चाट ली बक 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 करके। तो चलिए साड़ी पहन लेते हैं, थोड़ा सा मेकअप लुक क्रिएट जो करेंगे उसको आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और मैं हो गई थी रेडी होने के लिए तैयार, मतलब तैयार होने के लिए रेडी, क्या बोल रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं तो, यहाँ सिस्टर पास्ता बना रही थी बस, देख लीजिए, उसके बाद पास्ता खाया मैंने। तो हम कह रहे हैं दूसरे घर साड़ी पहनने, हमको एक पैसा का सऊर नहीं है, लूर बोला जाता है, सऊर मतलब नहीं, हमको साड़ी पहनने नहीं आता है, हम दूसरे घर से साड़ी पहन के आते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं, टाटा बाय, मोबाइल घर पर रख के जा रहे हैं, मैं मोबाइल से ले लेता मार दे। सो फैमिली साड़ी पहन के मैं आ गई हूँ, कैसा लग रहा है साड़ी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब भी मुझे साड़ी वीडियो बनानी होती है ना, साड़ी मेकअप लुक या फिर साड़ी के साथ जो भी मैं मेकअप कैरी करती हूँ, तो भाभी मुझे साड़ी पहनाती है, ब्लाउज थोड़ा ढीला है बट कोई बात नहीं, रील्स ही बनाना है। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं, मेकअप फटाफट करते हैं, और अभी राइट 6 बज रहा है, आई थिंक कि 6:40 तक मेकअप डन कर लूँगी मैं, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। सो यहाँ पे आ गई थी मेकअप वीडियो शूट करने के लिए, बिकॉज़ कि मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से मेकअप वीडियो नहीं शूट किया है, बस रैंडम सा ब्लॉग में दिखाया मैंने थोड़ा सा। तो यहाँ पे पहले हेयर को ना अच्छे से क्लिप से लगा लूँगी, क्योंकि बार बार फेस पे आता है मेकअप में तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है। और उसके बाद लगा ली थी सीरम मैंने, यहाँ पर ना मॉइस्चराइज़र स्किप किया था, क्योंकि मेकअप को ना 1 से 2 घंटे ही रखना था, बस रील शूट करने थे और मतलब कि ऐसे ही रखना था, थोड़ा सा पिक्चर लेना था, तो मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइजर स्किप कर दिया, उसकी जगह पे मैंने लगा लिया सीरम। सीरम लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा हवा दिया ताकि एब्जॉर्ब हो जाए फेस में, देन उसके बाद लगा रही हूँ मैं प्राइमर, और प्राइमर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका जो भी बेस है अगर कुछ भी हार्मफुल हो तो वो स्किन को कुछ भी डैमेज ना करे, मतलब पिंपल्स ना हो। गाइस ये देखिए भाई जो है बहन के लिए इतना मेहनत कर रहा है, सारा प्रोडक्ट जो है वो ओपन कर करके कवर से निकाल निकाल के रख रहा है ताकि दीदी को कोई दिक्कत ना हो और दीदी अच्छे से मेकअप कर सके, ताकि मोबाइल जब खाली हो तो जल्दी म्यूजिक चला सके। दुनिया स्वार्थी है फिर कितना बोला है, हाँ देखिए वाह, भगवान ऐसा भाई बस हमी को दे। अयो पते पे कर लो, इनडायरेक्टली तंज कस रहा है, छुरी वाले को लंबा करा ला ना, अब का दे ले मैंने खोल के, थैंक यू सो मच, वो गिरा दो तब कुछ ही हो। बहुत ही अच्छा बच्चा है, नेक संस्कारी सुशील कर्मठ, इसके शादी योग्य कोई लड़की हो तो जरूर संपर्क करें। दिमाग खराब कर दिया, मैं किताबें पछा लगा तू कल तो गई
का लैपटॉप ले लूं, इतना ढेर के लैपटॉप ले लेंगे, ये तो छोटा से बड़ा सब लैपटॉप बन के लगे। ये मिनी आईपैड है, मैंने आई ये है भाई, थोड़ा सा से बड़ा है, 15 सेंटीमीटर बड़ा भाई। हाय ये एसुस क्या हाय हाय मन मैकबुक है, ये लेना वो हमारी जमा पूंजी है, वो जमा करो। हाय ले ला, ये लगा दे कर पाउडर। हेलो स्ट्रेटनर, हेलो मेकअप का हो गया डन, कैसा हुआ है आई मेकअप मुझे बताइएगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और मेकअप डन हो गया, अब करना क्या है, अब हेयर स्ट्रेट करूँगी और देन उसके बाद ज्वेलरी पहन लूँगी, फिर उसके बाद मिलती हूँ। और इतना देखिए इतना सब पसरा हुआ है, अभी तो बहुत सारा पैक हो गया है, और यहाँ पे भाई लेके आया भूजा, जब गए थे चौराहे पे ना तो वहाँ से लेके आया है, देखो अभी तो सिस्टम ने और सब पैक करके ज्वेलरी रख दिया है, अभी इसमें से पहनना है, देखती हूँ क्या क्या पहनती हूँ मैं। गाइज मैं हो गई हूँ तैयार और अभी बज रहे 7:15, मैं 6 बजे रेडी होने गई थी, अभी 7:15 हो गया। चूड़ी भी मैंने पहन लिया है वाली, और इस साड़ी की मैचिंग है येलो एंड ब्लू, और मैंने एक कंगन डाल लिया है, देन तैयार हो गई है। अब बाकी है सिंदूर लगाना, तो जो कि पहले बता देती हूँ, कई लोग हमारे रिश्तेदार कहे लगी कि माए बाप घरे नहीं बना तो उनका लड़की सिंदूर लगा के ब्याह हो कर रही, जैसे समाज जैसन हमरे जगह के बा, तो फटाफट से सिंदूर लगा लेते, सिंदूर बस नाक से लगाऊंगी और इस टीके के नीचे तक, पूरे मांग तक नहीं लगाऊंगी, जो कि छठ वीडियो है तो यहाँ पे मान्यता होती है कि छठ वीडियो में नाक से सिंदूर और मांग तक लगाते हैं, तो बट मैं अनमैरिड हूँ तो मांग में नहीं लगाऊंगी, बट यहाँ से और यहाँ तक सिंदूर लगा लेती हूँ फटाफट से, फिर बनाती हूँ रील्स, उसके बाद से रील्स के बाद से आप लोगों से मिलती हूँ एंड ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। ओके पहली बार लगा रही हूँ कुछ ऐसा, तो थोड़ा सा ना डर जैसे लग रहा है, डर नहीं लग रहा है बिकॉज की कुछ क्रिएटिविटी करते हैं ना तो होता है। जय हो छठी मैया, मेरे चैनल को बूस्ट कर दो, वायरल कर दो मेरी भी वीडियो, मेरी भी नैया पार लगाओ। और मम्मी नहीं है तो इतना कुछ कर पा रहे, क्योंकि मम्मी रहती अगर ना तो फिर पूजा वूजा का रहता तो नहीं हो पाता है सब कुछ। चलिए लगा लेती फटाफट से, एक मिनट। कितना मेहनत लगता है, अभी 8 बज गया, हम 6 बजे से काम कर रहे हैं, 2 घंटे प्रॉपर लगे, अभी मात्र 4 रील शूट हो पाया है, तो बिहाइंड द सीन इसी वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। और इनको देखिए, ये पियरी वाला कुछ था तो मैंने पीला दुपट्टा मंगाया, तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। फाइनली गाइज अभी 8:35 हो गए हैं, और 6 बजे से 8:35 तक हम लोगों ने पूरी मेहनत की, भाई दोनों बहन सब लोगों ने साथ दिया, और मैंने फाइनली 10 से 15 रील शूट कर लिए छठ पूजा की। और ये लुक कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, जितनी भी मेरी मम्मी बुआ दादी दीदी जितनी भी लोग छठ व्रत हैं, माता रानी उनको बहुत सारा आशीर्वाद दे अपना, और उनकी घर में जो भी खुशियाँ नहीं हैं उनको उनके घर को खुशियों से भर दे, यही मेरी कामना है। और ये ब्लॉग आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी
लगी होगी आप लोगों को। छठ वाला रील्स मैं डाल दूंगी, शॉर्ट वीडियो डालूंगी, आप इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड मेरे फेसबुक पे आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नए प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बाय, टेक केयर, लव यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड छठ मैया का आशीर्वाद आप लोगों पे सदा बना रहे।